बोल संगती ना माझा तुझीशील काय, बोल संगती ना माझा तुझीशील काय, अर संगती ना तुझ्या मी येणार नाय, अर संगती ना तुझ्या मी येणार नाय, तुझ्या रूपाला अशी मी भुलणार नाय, गुम संगती तुझ्या मी येणार आहे, गुम संगती ना तुझ्या मी येणार आहे. थैंक यू सो मच आशा ताई. एंड क्या बात है आजी, आप तो कमाल डांस करते हैं, एक बार आजी के लिए जोरदार तालियां. आपका और लता दीदी का रिलेशन कैसा रहा बचपन से? आप लोग बहुत मस्ती करते थे, झगड़ती थी, क्या होता था, हम थोड़ा जानना चाहते हैं. बचपन में मैं तीसरा नंबर हूँ आजी, दीदी मीना फिर आशा फिर उषा, चार बहने हम, भाई हृदयनाथ. तो मैं एकदम मोटी थी. अच्छा. अभी हूँ, उस वक्त और छोटी सी थी मैं, और दीदी मेरे को लेके दौड़ती थी. अच्छा. हम लोगों को एक बहुत अच्छा होता था, वो भागती थी तो हम उसकी लंबी चोटी पकड़ लेते थे, वो कुछ नहीं कर सकती थी. वो कुछ ना कुछ करके भाग जाती थी. हम लोग खेलते थे घर घर करके. अच्छा. तो कुछ लड्डू बनाते थे, मूंगफली के लड्डू, चावल कुछ. तो वो बोलती थी, हाँ तुम लोग सब बैठे हो, तुम सो जाओ, रात को चोर आएगा, फिर तुम उठना, और चोर आएगा बोल के सब हमारा खाना खा जाती थी. और हमको बोलती थी चोर चोरी करके चला गया. तो हम लोग उसको मारते थे, मतलब मारते थे यानी बहुत पीछे पड़ते. बड़े होने के बाद अपने अपनी लाइफ चली गई. हाँ. दूर हो गए. सब लड़कियां होती है जैसे. हाँ. भाई बहन से दूर, वैसे मैं दूर चली गई. फिर भी अभी तक प्यार वैसा ही है. मिलना जुलना भी है, और बस भगवान उसको मेरी भी उम्र दे. आशा ताई, आज एक बहुत ही खास शख्स हैं, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा और हम चाहते हैं आप वो मैसेज देखें. हैव अ लुक. आशा जी, आपको प्रणाम करता हूं. मैं अमिताभ बच्चन हूं, और सबसे पहले तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग की तरफ से हम सबको बताना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में 75 साल पूरे करने के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं. आने वाले 75 वर्ष भी आप इसी तरह हमारे जीवन को अपने सुरों से सजाती रहें, ये हम सब की कामना है और प्रार्थना भी. अच्छा जी, आप में ईश्वरीय गुण है, क्योंकि जिसने सुरों को साध लिया मानो उसने ईश्वर को साध लिया. आपके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ. क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है. बहुत बोलती हूँ लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो रही है. भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, और मेरी तरफ से बहुत थैंक यू बोलिए उनको. हमारे सारे कंटेस्टेंट्स और कोरियोग्राफर्स ने आपके लिए कुछ तैयार किया है, मैं चाहता हूँ आ जाओ, कम ऑन. आठ सितंबर 1933, संगीत के समंदर में उठी सबसे सुरीली लहरों में से एक लहर, जब सांगली महाराष्ट्र में संगीतकार दीनानाथ जी और उनकी पत्नी शेवंती जी की गोद में खिलखिलाई आशा मंगेशकर, और आने वाले 75 सालों तक जिन्होंने अपनी आवाज से दुनिया को अपना बनाया, खुद संगीत जिनके नाम पे इतराया, गुनगुनाती धड़कनों पर सिनेमा के पर्दे पर जिनके सुरों ने किया राज, आज उनके लिए इंडियाज बेस्ट डांसर का परिवार करना चाहता है कुछ खास.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.